सभी दोस्तों को प्रमोद रावत का नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप सभी लोगों से लगभग 2 महीने बाद मुलाकात हो रही है, तो ये ब्लॉग लगभग 2 महीने बाद मैं बना रहा हूँ। तो जब आप ये देख रहे होंगे तो लगभग 2 महीने हो गए हैं, तो बीच में समय नहीं मिल पाया, इस वजह से ब्लॉग नहीं आ पाए हैं। तो अभी मैं बेंगलोर में हूँ, तो अचानक से आप लोगों को लग रहा होगा मैं बेंगलोर कब आ गया था। तो उसी टाइम जब मैं नैनी देवी वाली मैंने पिछली वीडियो डाली थी, तो उसके बाद मैं बेंगलोर में आ गया था। तो उसके बाद से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाया। तो अब कोशिश करेंगे आगे लगातार ब्लॉग बनाने की, जब जब समय मिलेगा आप लोगों से रूबरू होने का, और दिखाएंगे आपको हर एक चीज़ जो हम कर रहे हैं और अपनी दिनचर्या के बारे में। तो आज मेरी छुट्टी थी, मैंने सोचा आप लोगों से बातचीत भी हो जाएगी और एक ब्लॉग भी बन जाएगा। तो अभी जस्ट मैं नहा के आया हूँ और आज आपको देखते हैं कहाँ की सैर कराते हैं बेंगलोर में। तो जिस जगह पे हम घूमने जाएंगे वहाँ का पूरा टूर आपको कराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं और आपको दिखा दें आज पूरा बेंगलोर। तो यहाँ का जो मौसम है वो बेहद ही शानदार है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ना गर्मी और ना ज़्यादा ठंड होती है, एक समान मौसम रहता है। और सामने गाड़ियों का पूरा एक मैदान भरा हुआ है, तो आपको जो भी गाड़ी चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो मस्त है, पूरा ऐसा एरिया है, यहाँ पे खुला खुला एरिया है, मस्त हवाएं चलती हैं, बारिश भी ज़्यादातर होती रहती है। तो यहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो अभी यहाँ से आगे के लिए हम जाएंगे। तो बेंगलोर सिटी से थोड़ा ही अलग साइड है, तो बट व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का। रूम के पीछे साइड से कुछ ऐसा व्यू है, तो नीचे जो खेत दिख रहा है इसमें पूरा मंडवा बोया हुआ है। तो पूरा जो खेत सामने से आपको दिख रहा है इसमें पूरा मंडवा बोया हुआ है, और साथ में मक्के की खेती भी हुई है। तो हमारे यहाँ पे पहाड़ों में मंडवा होता था, लेकिन यहाँ पे भी मंडवा देखने को मिल रहा है। तो पूरे खेत मंडवा से भरा हुआ है, तो पीछे से ऐसा कुछ व्यू है। यहाँ पे सामने आम का पूरा बागान है। तो आप लोगों को अपना रूम टूर कराता हूँ। तो ये अपना रूम है, इधर साइड में किचन है। तो ये अपना अमित भाई है जो कि चमोली से है। तो यहाँ पे पहाड़ी लोग बहुत मिलने को मिलेंगे आपको इस ब्लॉग में। तो सामने इधर एक रूम ही हो गया, यहाँ से दूसरा रूम इधर को है, फिर यहाँ पे वॉशरूम है और एक ये रूम है। तो अभी थोड़ा सफाई वगैरह की है, तो इस वजह से ओनी चटाई दिख रही है। और सामने अपना मंदिर है और ये रूम है, रूम से पीछे ऐसे बालकनी टाइप की है। तो यहाँ पे बैठ के मस्त से शाम को जब भी आएंगे तो बैठ सकते हैं, और यहाँ से शानदार सा व्यू दिखता है। हम लोग डोडबल्लापुर में पहुंच गए हैं, तो जहां से हम आए हैं उस जगह का नाम होनेनहाली था। तो वहां से हम बस में डोडबल्लापुर तक आए हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं जो आदियोगी स्टैचू है, तो उस जगह पे हम जाने वाले हैं, और साथ में बहुत सारे भाई लोग हैं, तो सबको आगे आपको मिलवाएंगे। यहां से अब चिकबल्लापुर के लिए नेक्स्ट अपनी बस पकड़ेंगे, तो चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। ये अपने सारे भाई लोग हैं, सारे पहाड़ी भाई लोग, तो ये सारे लोग जा रहे हैं आज आदियोगी, और यहाँ की ये मार्केट है। और यहाँ से हम दूसरी बस मिलेगी हमें, तो रेड बस, उसमें हम जाएंगे अभी। तो अभी हम लोग डोडबल्लापुर के बस स्टैंड में पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से हम चिकबल्लापुर की बस पकड़ेंगे। अरे भाई लोग हैं, तो ये यहाँ का बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो देखते हैं यहाँ से कौन सी बस जाती है, और इस पूरी अपनी टीम है जो आज आदियोगी जा रही है। तो देखते हैं ये वाली बस जाएगी शायद वहाँ तक, तो वहाँ से आगे का हमें पता नहीं है, लेकिन जा रहे हैं देखते हैं। सारी बस लगभग उधर ही जा रही है। तो ये यहाँ का बस स्टॉप है, तो यहीं पे हम वेट कर रहे हैं बस का। तो बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है, सारे लोग अपनी डेस्टिनेशन के लिए जा रहे हैं। तो एकदम गांव वाला फील जैसे बस स्टॉप पे रहती है। तो बहुत सारी बसें लगी है अलग अलग स्टेशन के लिए, तो सब जा रहे हैं। तो यहीं पर जिस बस में हम जाएंगे वो यहीं पर लगेगी। तो अभी यहाँ पर बस नहीं मिल रही है, तो देख रहे हैं हम दूसरी बस की तलाश कर रहे हैं। हम लोग चिकबल्लापुर में पहुंच गए हैं, तो यहाँ से आदियोगी है, तो लगभग 8-10 किलोमीटर और जाना होगा। तो यहाँ से हमें ऑटो वगैरह में जाना पड़ेगा। पीछे अपने सारे भाई लोग हैं,
तो देखते हैं यहाँ से कुछ ऑटो वगैरह में जाएंगे, वहाँ से हमने दो बस चेंज किया उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं। और यहाँ से हम जा रहे हैं आदि योगी। तो अभी रास्ते में है लगभग कितना समय लगेगा उधर को? हाँ, 20 प्लस है। ओके, 30 मिनट लगेंगे यहाँ से। अभी हम लोग आदि योगी पहुँच गए हैं, तो वहाँ से हम ऑटो में आए तो पहुँच गए। वहाँ से लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगा। फिर पीछे अपने सारे भाई लोग हैं, तो अभी चलते हैं यहाँ से, थोड़ा वॉक करके जाएंगे तो आपको दिखाते हैं आदि योगी। तो एक बड़ी सी स्टैचू है जो भोलेनाथ जी की, तो उसको दिखाते हैं आप लोगों को। और यहाँ की लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है, सारे अपने भाई लोग हैं। और यहाँ की हिल्स काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो पूरी चारों तरफ की पहाड़ियाँ और पीछे उधर आदि योगी है। तो यहाँ से चलते हैं अब आगे और दिखाते हैं आप लोगों को। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। अभी आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपकी सूच यहाँ पे ये थैले में रख देंगे और आपको एक टोकन दे देंगे। जब हम स्टैचू घूम के आएंगे उसके बाद इनको पेड करेंगे। बाकी यहाँ की पार्किंग कुछ ऐसी है, तो जब भी आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो आपको पार्किंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो अभी शूज वगैरह हमने उतार लिए हैं, अब यहाँ से अंदर के लिए जाएंगे, अपने सारे साथी हैं, तो चलते हैं यहाँ से। तो अब आपको झलक दिखाते हैं भोलेनाथ जी की जो स्टैचू है, तो ये भाई आदि योगी। तो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहे हो, तो हर हर महादेव भोलेनाथ का आप सभी जयकारा लगाएंगे। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन में है। तो अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो अब चलते हैं स्टैचू पे। तो जब भी आपको जीवन में किसी प्रकार का एकदम सुकून वाला पल चाहिए तो आप महादेव के पास आ सकते हैं। अब आपने देखा होगा मैं केदारनाथ भी बहुत बार गया हूँ इससे पहले। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं जो आदि योगी है, तो भोलेनाथ जी की स्टैचू को, इसके दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो बहुत सुकून मिलता है जब ऐसी जगह पे आते हैं, एकदम शांत वातावरण रहता है, हर चीज़ शांति एकदम प्रकृति के बीच में। तो इसके चारों ओर आप देख रहे होंगे पहाड़ी है, और पहाड़ी के बीच में ये स्टैचू बनाई गई है। तो चलते हैं दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अभी आदि योगी के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, पूरी परिक्रमा करके हम आ गए हैं। तो काफ़ी बड़ी स्टैचू है, जो भी यहाँ के मूर्तिकार या कलाकार थे उनको मानना पड़ेगा कि इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है। सामने नंदी बैल है और बगल में भगवान भोलेनाथ का जो त्रिशूल है, और बहुत सारी श्रद्धालु आए हैं यहाँ पे। तो अपने पारस भाई कैसा लग रहा आपको? अच्छा, सुकून वाला, एकदम सुकून वाला जगह है, पूरा पहाड़ वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे, पूरे गांव वाली जैसी। तो मस्त पहाड़ है, व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का, शानदार, और बहुत सारे लोग दर्शन कर रहे हैं। तो प्रतिदिन आप यहाँ पे आ सकते हैं। कैसे लगा आपको वीडियो, लाइक करो भाई का। तो अभी हम लोग आदि योगी आए थे, तो अपने सारे भाई लोग गए, तो उनसे जानते हैं कैसे लगा। सबसे पहले आप बताएंगे आपको कैसा लग रहा है यहाँ का नेचर और क्या क्या है? नेचर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खासकर तो मुझे सबसे बढ़िया मूर्ति लगी,
उसके बाद पूरी मंदिर में जाएंगे हम। तो आप पारस भाई से जानते हैं यहाँ के बारे में, पारस भाई कैसा लगा आपको मंदिर? मंदिर बहुत अच्छा लगा और अपना व्यू भी अच्छा लगा हमें, पहाड़ वाली फीलिंग आई, ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ में। आप सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मैं आग्रह करूँगा जो भी लोग बेंगलोर में हैं एक बार आ जाओगे यहाँ पे स्टैचू है यहाँ पे ज़रूर आएँ और विजिट करें, आपको यहाँ पे एकदम सुख और शांति का एहसास होगा। तो आप लोग ज़रूर आएँ और जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, धन्यवाद। तो आप निकलते हैं यहाँ से पननहाली के लिए, धन्यवाद। तो अभी आदि योगी से हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं छोटा सा ऊपर पहाड़ी में जाने का, तो वहाँ से थोड़ा अच्छे से व्यू का एंजॉय लेंगे। तो उस पहाड़ी में चलते हैं, यहाँ से पहले यहाँ से बाहर चलेंगे फिर वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों ने अपने शूज़ कलेक्ट कर लिए हैं, जो भी शूज़ आपने वहाँ से जब आप एंट्री कर रहे थे उसके बगल से जमा किए थे, तो वहाँ आपको जो स्टैचू उसके लेफ्ट साइड में एग्जिट पे मिलेंगे। तो जब भी आप स्टैचू के दर्शन करेंगे उसके बाद आप यहाँ से शूज़ कलेक्ट कर सकते हैं। तो सब लोगों के शूज़ मिल गए, अब यहाँ से लगभग 7:30-8 बजे लाइट्स होगा, तो आप भीड़ देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं लगभग वहाँ से और यहाँ तक पूरे सब भरे हुए हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे जो एक पहाड़ी में आपको दिखा रहा था, थोड़ा ऊपर तक जाएंगे, थोड़ा वहाँ पे मस्त व्यू का एंजॉय करेंगे और वहाँ से स्टैचू को आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर के लिए जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ऊपर के लिए और यहाँ से आदियोगी स्टैचू सामने दिख रही है। तो ये है, बहुत सारे लोग ऊपर गए हैं तो हम इनसे भी ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, तो एकदम टॉप में जाएंगे, देखते हैं, चलते हैं ऊपर। तो अभी हम लोग आदियोगी के सामने स्टैचू पे आए थे, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे लेकिन उनके द्वारा ऐसी बोतलें वो सारा यहाँ पे फेंका गया है, तो काफ़ी गलत बात है। जब भी आप ऐसे एरिया में आते हैं तो जो भी आप अपने साथ बोतलें वगैरह लेते हैं वो ज़रूर कलेक्ट करें, इससे बहुत गंदा लग रहा है यहाँ पर, तो आप लोग कृपया ऐसा ना करें। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर, तो अभी हम लोग इस रास्ते से ऊपर जा रहे हैं, एकदम कैंपिंग वाला फील आ रहा है, जैसे ट्रैक करते हैं तो वैसे ट्रैक करके ऊपर जा रहे हैं। पूरी घास है और पेड़ पौधे हैं तो उनके बीच आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग ऊपर आए थे जंगल में, तो जंगल का व्यू देखिए भाई पूरा ऐसा है, तो मस्त सा फील है और सामने आदियोगी की स्टैचू दिख रही होगी, तो बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो इसके बाद लाइट्स होगा तो थोड़ा देर यहाँ पर बैठते हैं। और यहाँ के पत्थर जैसे पहाड़ों के फुल एकदम जैसे गांव में थे, तो ऐसा ही फील आ रहा है, तो मस्त पत्थर रहे हैं, इनमें बैठ के थोड़ा देर आदियोगी स्टैचू का व्यू का एंजॉय लेते हैं। तो अपने भाई लोग ऊपर टॉप में बैठे हुए हैं, मस्त व्यू का एंजॉय ले रहे हैं और यहाँ से ऐसे पत्थर हैं तो इन पत्थरों में हम यहाँ पर बैठे हैं, खतरे से खाली नहीं है। नीचे गाड़ियों की बाइक की पार्किंग इधर है, कार की उस साइड है और रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ पर एक है और सामने आदियोगी की स्टैचू है और बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा लोग, तो एकदम अच्छा सा व्यू है यहाँ का। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि लाइटिंग शो 7:30 इतने बजे तक चलेगा, तो अभी इतना समय नहीं है कि हम यहाँ पे रुक पाएँ क्योंकि लेट काफ़ी हो गई है, अंधेरा होने वाला है, तो कभी आगे जब समय मिलेगा तो यहाँ का लाइटिंग शो आपको दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं, तो यहाँ से अभी रास्ते में मतलब 2-3 जगह हमें बस या ऑटो चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, तो चलते हैं अभी। तो अभी मैं होम फिर के रूम पे आ गया हूँ, तो आज की इस वीडियो में आपने देखा होगा आदियोगी स्टैचू है जो बेल्लापुर में है यानी कि बेंगलोर में है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे भी ऐसे ही शानदार और मज़ेदार ब्लॉग के साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं प्रमोद रावत मिलता हूँ आपको अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।